We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us. For we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries. The taste of health. Hello, Namaste. This is Vandana Gupta and you are watching Fit Talk. Am I looking a little different to you? Well, yes, I have become a little different. Well, आज का जो हमारा वीडियो है दैट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर ऑल द ममास टू बी कि आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ ऐसे योगासन जो कि आप आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रैक्टिस कर सकते हैं बीट योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड और थर्ड इससे पहले कि आप ये प्रैक्टिस शुरू करें मस्ट गो टू योर डॉक्टर कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट अ ग्रीन सिग्नल टू प्रैक्टिस एंड देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस दीज आसनास। इसके साथ ही जो योगा होता है वो एक्चुअली आपकी फिजिकल फिटनेस पे ही काम नहीं करता सिर्फ तो आपको फिजिकली फिट रखने के साथ साथ आपके माइंड को काम रखता है आपको स्ट्रेस फ्री रखता है जिसकी वजह से जो आपका प्रेगनेंसी का पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाता है और साथ ही जो लेबर और बर्दिंग का प्रोसेस है लेटर स्टेज में वो भी बहुत ज़्यादा ईजीली निकल जाता है आपकी बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है आफ्टर डूइंग ऑल द योगा प्रैक्टिसेस। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पहले आसन का नाम बताऊं और पहला आसन करके दिखाऊं मैं चाहती हूं कि आप कुछ बातों को ध्यान में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर बॉडी वेल हाइड्रेटेड। इसके साथ ही अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान कभी भी लगता है किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है फटीग या टायर्डनेस महसूस हो रही है दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टॉप योर प्रैक्टिस जस्ट सिट और लाई डाउन एंड रिलैक्स जस्ट डू द डीप ब्रीदिंग एंड डू नथिंग बेसिकली। इसके साथ एक और बात छोटी सी अगर आपके पास प्रॉप्स हैंडी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ द टाइम व्हेन वी डू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ रिग्रेस प्रैक्टिसेस और साथ में अगर हमारे पास प्रॉप्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके पास जो प्रॉप्स मैं यूज़ कर रही हूँ उस तरह के प्रॉप्स नहीं भी हैं तो इन सब के ऑल्टरनेटिव आपको मैं बताती जाऊँगी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ। एक्चुअली जो पहला आसन है वो बहुत ही सिंपल है आप किसी भी क्रॉस लेगेड कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं हम थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग के साथ शुरुआत करेंगे एंड देन वी विल गो फर्दर अहेड। तो सबसे पहले आप मेरी तरह चाहें तो आप अर्ध सिद्धासन में बैठ सकते हैं या फिर आप अर्ध पद्मासन ले सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल। अगर आपको लगता है आप संपूर्ण पद्मासन भी ले सकते हैं तो आप कंप्लीट पद्मासन ले लीजिए जो कि टुवर्ड्स द लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी स्पेशली आफ्टर फिफ्थ मंथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम थोड़ा साइज में बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है उस समय हमें। या फिर आप सुखासन में बैठ सकते हैं तो आपको अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आप कंफर्टेबली सुखासन में बैठ जाएं। इसके साथ ही आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं मैं आपको बताऊँगी वज्रासन में आप ब्लॉक का या किसी भी तरह के प्रॉप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप वज्रासन में बैठेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वज्रासन में बैठना काफ़ी इजी होता है बिकॉज हमारा बॉडी का साइज़ भी नहीं बढ़ता है हमारा स्टमक भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड जब हम थोड़ा साइज़ में बड़े होने लगते हैं तो हो सकता है कि आपको वज्रासन में इस तरह बैठने में कम्फर्टेबली थोड़ा मुश्किल हो डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो आप इस तरह का एक योगा ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पिलो ब्लैंकेट मसन कुशन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अंडर योर सिट बोन एंड यू कैन सिट कम्फर्टेबली। हेयर वी विल डू कपल ऑफ डीप ब्रीदिंग। अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरुआत से ही तो हो सकता है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आप कम्फर्टेबली वज्रासन में बैठ पाएँ। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप इस तरह से अपने नीज के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप बनाकर भी बैठ सकते हैं विच इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ऑल राइट। सो मैं बैठने वाली हूँ अर्ध सिद्धासन में एंड देन वी विल डू डीप ब्रीदिंग हेयर। सो समावृत्ति प्राणायाम के जैसा है लेकिन समावृत्ति प्राणायाम नहीं है क्योंकि इक्वल ब्रीदिंग नहीं है। वील जस्ट इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कम्प्लीटली विदाउट एनी काइंड ऑफ रिटेंशन। तो आपको ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इनहेल एंड एक्सहेल इनहेल एंड एक्सहेल
डू सच काइंड ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर कपल ऑफ टाइम्स. इसके बाद जो हमारा आसन है उसका नाम है बद्धकोण आसन. सो जिस तरह से मैंने अभी बैठा हुआ है या जिस तरह से मैंने आपको बोला, किसी भी क्रॉस लेगेड कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने से आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो भी स्ट्रांग होता है. इसके साथ ही जो अगर आप ज़मीन पर अच्छे से बैठ पाते हैं क्रॉस लेगेड पोजीशन में, तो जो लेबर का प्रोसेस है जो लेटर स्टेज में आएगा उसके लिए भी आपकी बॉडी धीरे धीरे प्रिपेयर होने लगती है. अब हम बताएंगे कि बद्धकोण आसन में बैठने के लिए आपको करना क्या है. दोनों पैरों को एकदम सीधा रखकर बैठ जाएंगे. उसके बाद पहले आपका राइट नी मोड़ के जो राइट पैर का सोल है उसको अपने पेल्विक के थोड़ा नज़दीक ले आएंगे. इसी तरह से लेफ्ट पैर को सोल्स को ऑलमोस्ट एक दूसरे से जोड़ के रखेंगे. इंटरलेस योर फिंगर्स और आपके पंजों को पकड़ लें नीचे की तरफ से एंड सिट अपराइट. जितना सीधा बैठ सकते हो उतना सीधा बैठेंगे. अगर आपको ऐसा लगता है कि नीज बहुत ज़्यादा ऊपर है या कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर लीजिए. ब्लॉक की जगह आप बुक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है, या फिर कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग बट चूज वाइजली कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उस समय. एंड यहाँ पर बैठने के बाद धीरे धीरे फ्लाई करेंगे. इस पोज को इंग्लिश में बटरफ्लाई पॉस्चर भी कहते हैं. तो धीरे धीरे आपकी जो बटरफ्लाई है वो उड़ रही है. तितली आसन भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में. इसके बाद बस यहाँ पर बैठ जाना है शांति से. ये बहुत ही अच्छा आसन है. आपके पेल्विक फ्लोर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही जो आपका स्पाइन है उसको स्ट्रेट रखने में, पॉस्चर को मजबूत बनाने में भी बहुत ज़्यादा सहायक आसन है. तो आप इस आसन की प्रैक्टिस आपके थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कर सकते हैं. अगर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ऑफकोर्स योर डॉक्टर विल आस्क यू नॉट टू डू सच काइंड ऑफ पॉस्चर्स. रिलीज करने के लिए पहले लेफ्ट पैर को के बाद राइट पैर को रिलीज करेंगे एंड जस्ट सिट नॉर्मली. हमारे अगले आसन का नाम है भरद्वाज ट्विस्ट. ये ट्विस्टिंग पॉस्चर है, लेकिन किस तरह करना है ये ट्विस्टिंग पॉस्चर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो बद्धकोण आसन करने के बाद हमारे पैर ऑलरेडी सीधे हैं. इसके बाद हम पहले अपना लेफ्ट पैर अर्ध वज्रासन में मोड़ेंगे और उसके बाद हमारा जो राइट पैर है उसको अर्ध पद्मासन में लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे. लेकिन ये सिर्फ आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत इजीली कर पाएंगे. हो सकता है कि आप जब सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आपको इस तरह बैठने में डिफ़िकल्टी हो. तो आपको करना क्या है, सिंपली सिट इन एनी क्रॉस लेगेड पोजीशन. अपने आप को फोर्स बिल्कुल नहीं करना है. जहां आप कंफर्टेबल हैं आपको वही पोजीशन लेनी है. तो मैं अभी के लिए जहां से हमने शुरू किया था भरद्वाज ट्विस्ट की पोजीशन वो ले रही हूं. लेकिन If you are in your second or third trimester, choose your way wisely. Inhale करते हुए आपका left hand ऊपर की तरफ उठाएंगे और right पैर का घुटना पकड़ेंगे if you can comfortably. और जो आपका right hand है उसे कमर के पीछे से घुमाते हुए अगर possible है तो अंगूठा पकड़ेंगे. Since I have become a little bigger, it's not very comfortable for me. So it's okay. अगर आप यहाँ तक भी बैठेंगे, बस थोड़ा सा ही ट्विस्ट करना है. बहुत ज़्यादा पीछे घूमने की कोशिश ना करें. जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं सिर्फ उतना ही जाएंगे. एंड देन लुक टुवर्ड्स योर राइट साइड और इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन लुक ओवर योर राइट शोल्डर टू द बैक वॉल. अगर आपको ऐसा करने में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी है, यू नो योर वेज, आप यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ भी रुक सकते हैं, या थोड़ा सा और ट्विस्ट ले सकते हैं इन इनिशियल ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. सिंस आई एम इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर राइट नाउ, आई शुड नॉट बी ट्विस्टिंग अ लॉट बिकॉज दैट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर मी. ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, हमारे स्ट्रेस जो होता है उसको रिलीज करने के लिए. उसके साथ ही जो स्ट्रेन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में उसको भी रिलीज करने के लिए. सबसे पहले आपकी नेक को रिलीज करेंगे एक्सहेल करते हुए, देन रिलीज योर ट्विस्ट. उसके बाद अपने पैरों को एक एक करके रिलीज करेंगे. एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा आसन है डाइजेशन के लिए भी, और कॉन्स्टिपेशन एक बाय प्रोडक्ट प्रेगनेंसी का जो अक्सर हुआ वो जाता है. नो मैटर व्हाट वी आर ईटिंग, हाउ हेल्दी वी आर ईटिंग,
बट कॉन्स्टिपेशन की समस्या अक्सर फेस करनी पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान. सो दिस इज़ अ वंडरफुल आसन फॉर दैट इज वेल. इसी तरह से हमको सेकेंड साइड भी करना है, अपनी अदर साइड भी करना है. यानी कि तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन अब मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए भी बता देती हूँ कि कैसे बैठना है. तो कंफर्टेबली किसी भी क्रॉस लेगेड पोजिशन में बैठ जाइए, जैसे मैं अर्ध सिद्धासन में बैठी हूँ अभी. इनहेल करते हुए मेरा जो राइट आर्म है वो ऊपर गया और मैंने लेफ्ट नी को पकड़ा है, और इसी तरह से मेरा जो लेफ्ट हाथ है वो कमर के पीछे से घूमते हुए मैं अपनी राइट थाई के ऊपर रख रही हूँ. एंड इनहेल डीपली हियर अगेन. एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट, पीछे की तरफ थोड़ा सा मोड़ना है अपने स्पाइनल कॉर्ड से. सिर्फ टॉर्सो को मूव करना है, घुटने को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है. जितना नीचे रख सकते हैं उतना नीचे रखेंगे, और कंफर्टेबली जितनी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं उतनी देर के लिए रुकेंगे. एक्सहेल करते हुए सबसे पहले नेक रिलीज करेंगे, देन योर टॉर्सो एंड देन योर लेग्स. अगर आप कंफर्टेबल हैं क्रॉस लेगेड में तो आप क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठे रहें, या फिर आप अपने पैरों को सीधा भी कर सकते हैं. चलिए करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है कैट एंड काउ स्ट्रेच या फिर मर्जरी विड्राल आसन. चलिए देखते हैं कैसे करना है ये आसन. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपके ऑल फोर्स पर आ जाएं, यानी कि आपके घुटनों पर और आपके पाम्स पर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट्स इजी टू कीप हिप विड्थ डिस्टेंस बिटवीन योर नीज, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हो सकता है कि आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस हो, और ऑफकोर्स आपको अपनी बेबी के लिए स्पेस भी बनाना है, तो आपके घुटनों के बीच में हिप विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखेंगे. सबसे पहले न्यूट्रल पोजिशन से स्टार्ट करेंगे. वन डीप इनहेलेशन हियर एंड कम्प्लीट एक्सहेलेशन. नाउ इनहेल करते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे, आपके चिन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, एंड लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, और यू कैन कीप योर आइज क्लोज, वट एवर फील्स बेस्ट फॉर यू एट दिस मोमेंट. ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके नेक, शोल्डर, स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए. एक्सहेल करते हुए रोल योर पेल्विक थोड़ा सा इन. आपको पेल्विक की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है आपको स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर की तरफ ले जाने में, और चिन को चेस्ट से लगा देंगे एक्सहेल करते हुए. सो आई वॉज टेलिंग हाउ गुड दिस आसन इज. ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है, साथ ही आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, और इसके साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर आसन है. इनहेल करते हुए कम टू द न्यूट्रल पोजिशन. इस आसन को आप कितनी भी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर कम्फर्टेबल आप इस आसन को प्रैक्टिस करते रह सकते हैं. आप चाहें तो इस आसन के बाद चाइल्ड पॉस्चर यानी बालासन में भी जा सकते हैं. लेट्स डू आवर नेक्स्ट आसन, जिसका नाम है ताड़ासन. ताड़ासन करने के लिए आपको खड़े होना है. ऑफ कोर्स गो इजी ऑन योर सेल्फ, डोंट रश. दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और लेटर स्टेज में हिप विड्थ से थोड़ा ज़्यादा गैप रखकर खड़े होंगे, जिससे कि हम कंफर्टेबली खड़े हो पाएँ. दोनों पैर पैरेलल टू ईच अदर. इसके बाद जो आपकी थाई मसल्स हैं, नी कैप्स को ऊपर की तरफ खींचिए और थाई मसल्स को इंगेज कीजिए. जो आपके हाथ हैं वो आपके साइड ऑफ द बॉडी रहेंगे, दोनों बॉडी के साइड पर. नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए एंड इंटरलेस योर फिंगर्स राइट अबव योर क्राउन चक्रा. एक्सहेल कम्प्लीटली हियर. अब इनहेल करते हुए जो आपकी हथेलियाँ हैं उसे ऊपर की तरफ घुमा देंगे, हाथों को स्ट्रेट करेंगे, और साथ ही पैरों की एड़ियों को भी ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे. अगर आपको लगता है कि बैलेंस जा रहा है तो आप एड़ियों को ना उठाएं, सिर्फ पैर हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, और यहाँ आप इतनी देर के लिए रुक सकते हैं जितना आप कम्फर्टेबल हैं. एक्सहेल करते हुए फ्लिप योर पाम्स इनसाइड, और धीरे धीरे हाथों को और पैरों की एड़ियों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, एंड देन रिलीज योर इंटरलेस फिंगर्स एंड रिलैक्स. ताड़ासना यानी कि माउंटेन पॉस्चर एक बहुत ही अच्छा आसन है आपके पॉस्चर को मेंटेन रखने के लिए. इसके साथ ही जो बॉडी अवेयरनेस होती है उसको भी इम्प्रूव करता है, साथ ही जो ब्रीदिंग है हमारी उसको स्टडी बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है. एक्चुअली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो ब्रेथ है वो स्टडी रहे, कंपोज एंड काम रहे. तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है, हैंस यू मस्ट प्रैक्टिस दिस आसन. चलिए करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है त्रिकोण आसन. त्रिकोण आसन करने के लिए आपके पैरों के बीच में 3-3.5 feet का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाइए. जो आप
आपका राइट पैर का पंजा है उसे बाहर की तरफ यानी राइट साइड की तरफ घुमा देंगे। जो आपका लेफ्ट पैर है उसको चाहें तो आप थोड़ा एंगुलर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इनहेल करते हुए आपके जो आर्म्स हैं उनको कंधे की सीध में ले आएंगे साइडवेज, और एक्सहेल करते हुए पहले अपने टॉर्सो को लेकर जाएंगे राइट साइड में। जब राइट साइड में आप पूरी तरह पहुंच जाएंगे देन एक्सहेल गो डाउन टुवर्ड्स द राइट साइड। इफ यू थिंक यू कैन रीच टिल द मैट इट्स फाइन, इफ यू कांट स्टे हेयर और हेयर आई विल टेल यू हाउ टू प्रैक्टिस इट इन द डिफरेंट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू मे नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट गोइंग ऑल द वे डाउन। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन लुक अप, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल और लूजिंग योर बैलेंस यू नीड टू लुक ईदर डाउन और इन फ्रंट। इनहेल करते हुए बेंड योर नी एंड कम अप। अब मैं बताऊंगी कि आपको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में किस तरह ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। सो जस्ट कीप योर ब्लॉक हैंडी देयर इफ यू आर इन योर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। इनहेल करते हुए आर्म्स इन लाइन विद योर शोल्डर्स, एक्सहेल एग्जैक्टली सेम वे में हम नीचे जाएंगे लेकिन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे और यहीं पर रुक जाएंगे। इफ यू आर कंफर्टेबल लुक अप, इफ नॉट इन फ्रंट और डाउन, वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल। बैलेंस नहीं जाए आपका, बस उतना ध्यान रखना है। एंड देन इनहेल करते हुए बेंड योर नी एंड कम अप, एक्सहेल रिलैक्स एंड रिलीज योर आर्म्स। ब्लॉक को मैं थोड़ा साइड रख देती हूँ सो दैट वी कैन डू ऑन द अदर साइड इज वेल। एक्चुअली बहुत ही अच्छा आसन है, हर तरह के पेन और एक्स जो होते हैं बॉडी में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्पेशली उनसे निजात पाने के लिए। इनहेल आर्म्स इन लाइन विद योर शोल्डर्स, इस बार आपका जो लेफ्ट फुट है वो लेफ्ट वॉल की तरफ यानी लेफ्ट पैर की उंगली है लेफ्ट वॉल की तरफ और जो राइट है वो सामने की तरफ। इनहेल डीपली, एक्सहेल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगर नीचे तक पहुंच सकते हैं इट्स फाइन, इफ यू कांट यू नो योर ऑप्शंस हियर और यू कैन एक्चुअली स्टे हियर। इफ दिस इज टू मच टू कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट अप यू कैन एक्चुअली ग्रैब योर हिप एज वेल और योर वेस्ट एज वेल। बेंड योर नी, इनहेल कम अप, एक्सहेल रिलीज योर आर्म्स एंड योर लेग्स। दोनों पैरों को कंफर्टेबली अपार्ट रखकर खड़े हो जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए करते हैं हमारा अगला आसन जिसका नाम है वॉरियर पोज यानी कि वीरभद्र आसन। हम करेंगे वीरभद्र आसन 1 और 2 दोनों साथ प्रैक्टिस, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं दोनों साथ में प्रैक्टिस करने के या ब्रेथ थोड़ी आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं या फटीग हो रहे हैं तो पहले वीरभद्र आसन 1 कीजिए फिर 2 कीजिए। चलिए करते हैं वीरभद्र आसन। तो वीरभद्र आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 4 feet का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। जो राइट पैर की उंगलियां हैं वो राइट वॉल की तरफ, जो पीछे वाला पैर है उसकी उंगलियां सामने की तरफ। आप चाहें तो थोड़ा एंगुलर भी रख सकते हैं आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो आपकी टॉर्सो है उसको भी राइट वॉल की तरफ मोड़ेंगे। इनहेल करते हुए जो आपके दोनों हाथ हैं उसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट्स वेरी इजी टू डू द नमस्कार आसन ऊपर जाने के बाद, लेकिन हो सकता है बाद में आप अपने दोनों हाथों को थोड़ा दूर रखना चाहें विच इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ऑल राइट। वेर एवर यू फील कम्फर्टेबल इनहेल डीपली, एक्सहेल करते हुए जो आपका राइट पैर का घुटना है उसे मोड़ेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा और डिस्टेंस भी ले सकते हैं, जैसा मुझे लगा कि मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल थी जब मैंने कम गैप लिया था। और यहाँ हम रुकेंगे, जो पीछे वाला घुटना है उसे एकदम सीधा रखेंगे। नी कैप पुल्ड अप एट ऑल द टाइम एंड ब्रीद। बहुत ही सुंदर आसन है आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। यहाँ से मैं जा रही हूँ वीरभद्र आसन 2 की तरफ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा टॉर्सो है उसे सामने की तरफ घुमाना है और हाथों को कंधों की सीध में ले आना है। एंड देन लुक टुवर्ड्स योर राइट फिंगर टिप्स। एक्चुअली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आसन भी है जो आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रिपेयर करता है लेबर और बर्दिंग प्रोसेस के लिए। इनहेल करते हुए आपका राइट पैर का घुटना स्ट्रेट करेंगे, आर्म्स ओवर हेड, दोनों पैर उंगलियों को चेंज करेंगे यानी लेफ्ट पैर की उंगलियां लेफ्ट वॉल की तरफ और जो राइट पैर की उंगलियां है वो सामने की तरफ या थोड़ा एंगुलर। टॉर्सो टुवर्ड्स द लेफ्ट, इनहेल डीपली, एक्सहेल बेंड लेफ्ट नी और जो राइट नी है उसे स्ट्रेट रखेंगे।
stay here. Keep smiling if you feel like, and stay as long as you comfortably can. Like, I really love this asana. I can stay here for, I think, ever. Forever I can stay in this asana. Iske baad Veerbhadra asana 2 yahin se karenge. Torso ko samne ki taraf ghumayenge. Arms in line with your shoulders. Look towards your left fingertips. इनहेल करते हुए लेफ्ट घुटने को सीधा करेंगे, एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे की तरफ, दोनों पैरों की उंगलियां सामने की तरफ और धीरे धीरे पैरों के बीच में कंफर्टेबल गैप रखकर खड़े हो जाएंगे. इनहेल, पोस्चर किए हैं. आफ्टर एवरी पोस्चर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एकदम शांति के साथ खड़े हो जाएं, या बैठे हुए हैं तो एकदम स्टडी स्टिल तरीके से बैठ जाएं. और हर पोस्चर के बाद एटलीस्ट 3 बार डीप इनहेलेशन कंप्लीट एक्सहेलेशन की प्रैक्टिस करें. हर तरह के आसन प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करें. रिलैक्स करने के लिए आप शवासन में सोएं और मैं आपको बताऊँगी कि शवासन में किस तरह आपको रिलैक्स करना है. तो अगर आपके पास इस तरह के बॉल्स्टर हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए. अगर नहीं भी हैं तो आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर एज आई सेड कि ब्लैंकेट और तकिए कुशन जो भी घर में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कीजिए. तो एक बॉल्स्टर को हम इस तरह रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा बॉल्स्टर इस तरह से लगाएंगे. एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है. धीरे पैरों को मोड़ लीजिए और कमर के बल लेट जाइए. Once you are comfortably lying on your mat, आप अपने दोनों पैरों को सीधा कर सकते हैं. पैरों से हटा देती हूँ ब्लॉक को और दोनों पैरों के बीच में comfortable gap रख लेंगे. Palms are facing upwards. दोनों हाथों को भी body से थोड़ा दूर रखेंगे and just relax. Breathe in and out. आप अगर चाहें तो अपने हाथों को आपके पेट पर भी रख सकते हैं, एक ऊपर नीचे या दोनों को एक साथ. And feel your breath here. Inhale and exhale. आप चाहें तो यहाँ पर सुप्त बद्ध कोण आसन में भी लेट सकते हैं, जिसके लिए आपके दोनों पैरों को, पैरों के घुटनों को मोड़ करके आपके दोनों पैरों के जो सोल्स हैं, पंजे हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ लेना है. हाथों को थाइस के ऊपर रख लेंगे फॉर योर कम्फर्ट एक्चुअली, या फिर आपके पेट के ऊपर. और अगर आप चाहें तो सर की तरफ ले जाकर भी जस्ट ड्रॉप योर हैंड्स, रिलैक्स कम्प्लीटली. इनहेल एंड एक्सहेल. इस आसन से कैसे हमें रिलीज़ करना है ये आसन, दोनों घुटनों को पहले साथ में ले आएंगे एंड देन टर्न टुवर्ड्स दी वन साइड. जो आपका, मैं राइट हैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज आई एम लाइंग डाउन दिस वे. सो अपने नीचे वाले हाथ का इस्तेमाल करते हुए जस्ट बॉल्स्टर को हटा देंगे एंड लाई डाउन. और धीरे से जो आपका ऊपर वाला हाथ है यानी लेफ्ट हैंड, उसकी सहायता लेते हुए sit in any comfortable cross-legged position and breathe in and out. एक और मैं आपको बताने वाली हूँ, जो लोगों का ट्राइमेस्टर है, हो सकता है उनको इस तरह स्ट्रेट लेटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं बाल कृष्णा आसन में भी. बाल कृष्णा आसन कैसे करना है, उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में लेटना होगा. मैं भी एक पिलो या बॉल्स्टर का इस्तेमाल करने वाली हूँ इसके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाई डाउन टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड. बैंड बोथ ऑफ योर नीज इफ़ यू फील लाइक, और एल जो नीचे वाला पैर है उसको सीधा रखेंगे और जो ऊपर वाला पैर है उसको हम एक बॉल्स्टर या तकिए के ऊपर इस तरह से रखेंगे. यू कैन रिलैक्स लाइक दिस एंड स्टे इन द आसन फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट. इनहेल एंड एक्सहेल. और जो आपका राइट हैंड है आप चाहें तो अपने स्टमक पर भी रख सकते हैं.
इट फील्स रियली गुड हियर. रिलीज करने के लिए सबसे पहले जो तकिया या बॉल्स्टर या जो भी आपने यूज़ किया है उसको दूर रखेंगे. दोनों नीज को बेंड करेंगे. आपके ऊपर वाले हाथ मदद से पुश योरसेल्फ अप इन एनी क्रॉस लेगेड सीटेड पोजीशन. और यहाँ आने के बाद मैं चाहूँगी कि आप समवृत्ति प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम ज़रूर प्रैक्टिस करें. तो मैं आपको एक एक राउंड के लिए बता देती हूँ कि कैसे करना है समवृत्ति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम. कंफर्टेबली बैठ जाएं किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में. समवृत्ति प्राणायाम करने के लिए इनहेल एंड एक्सहेल फॉर द इक्वल काउंट्स. तो अगर आपकी ब्रेथ 4 काउंट की है, 5 की है, 3 की है, 2 की है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू. आई विल नॉट एबल टू गिव यू एनी काउंट्स फॉर इट. जस्ट सी दैट हाउ योर ब्रेथ इज फ्लोइंग. इनहेल एंड एक्सहेल विदाउट एनी रिटेंशन. आपको ब्रेथ को कभी भी होल्ड नहीं करना है. सो आई एम डूइंग इट फॉर 4. इनहेल, एक्सहेल. इसी तरह से आप 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, जितनी भी देर के लिए आपको कंफर्टेबल महसूस हो उतनी देर के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें.